हेलो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द इंग्लिश फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू व्हाट लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट व्हाट मींस क्या जैसे तुम क्या करते हो व्हाट डू यू डू सेकंड वर्ड भी है व्हाट और व्हाट मींस होता है जो जैसे जो तुम कह रहे हो वह सही है वाट यू आर इज राइट नेक्स्ट वर्ड है दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट मीन्स वही या वही तो जैसे वही तो मैं भी कह रहा था दैट्स वाट आई वॉज ऑल्सो नेक्स्ट वर्ड है व्हाट ऑल व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या या क्या सब जैसे आज तुमने क्या सब खाया वाट ऑल डिड यू ईट टूडे नेक्स्ट फ्रेज है कम वाट में मीन्स कुछ भी हो जाए जैसे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कम वाट में आई विल नॉट गो देयर नेक्स्ट वर्ड है व्हाट एवर व्हाट एवर मीन्स जो कुछ या जो भी जैसे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो आस्क व्हाट एवर यू वांट नेक्स्ट वर्ड है व्हाट सो एवर सो एवर मीन्स जो कुछ भी जैसे जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो गिव मी वाट सो एवर यू हैव नेक्स्ट फ्रेज है नो मैटर व्हाट हैपेंस मीन्स चाहे जो हो जाए जैसे चाहे जो हो जाए घबराना मत नो मैटर वाट हैपेंस डोंट पैनिक नेक्स्ट वर्ड है सम व्हाट Somewhat means मीन्स कुछ हद तक जैसे कुछ हद तक मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ सम वाट आई एम फीलिंग बेटर नेक्स्ट वर्ड है वाट काइंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ इस तीनों का मतलब होता है किस प्रकार का या किस तरह का जैसे तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट फॉर व्हाट फॉर मीन्स होता है किस लिए जैसे क्या मुझे कल छुट्टी मिल सकती है कैन आई हैव द डे ऑफ किस लिए व्हाट फॉर नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इफ व्हाट इफ मींस होता है तो जैसे अगर वह नहीं आया तो व्हाट इफ ही डिड नॉट कम सेकेंड एग्जाम्पल है अगर तुम बाद में मुकर गए तो व्हाट इफ यू बैक्ट आउट लेटर नेक्स्ट वर्ड है व्हाट अबाउट What अबाउट का यूज किसी प्रॉब्लम को बताने के लिए किया जाता है जैसे मेरे क्लास का क्या व्हाट अबाउट माई क्लास मेरे एग्जाम का क्या व्हाट अबाउट माई एग्जाम नेक्स्ट वर्ड है व्हाट्स मोर व्हाट्स मोर मीन्स होता है और तो और जैसे उसे अंग्रेजी आती है और तो और उसे फ्रेंच भी आती है ही नोज़ इंग्लिश व्हाट्स मोर ही नोज फ्रेंच नेक्स्ट फ्रेज है इन वाट सेंस मीन्स किस तरह से जैसे तुम किस तरह से बात कर रहे हो इन वाट सेंस आर यू टॉकिंग नेक्स्ट वर्ड है वाट टाइम या एट वाट टाइम इस दोनों का मतलब होता है कितने बजे जैसे गाड़ी कितने बजे खुलेगी वाट टाइम विल द ट्रेन स्टार्ट या एट वाट टाइम विल द ट्रेन स्टार्ट नेक्स्ट वर्ड है इन वाट क्लास मीन्स किस क्लास में जैसे तुम किस क्लास में पढ़ते हो इन वाट क्लास डू यू रीड या व्हाट क्लास डू यू रीड इन अब हम लोग वाट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को देखने वाले हैं सबसे पहला सेंटेंस है क्या कार है व्हाट अ कार सेकेंड सेंटेंस है क्या जगह है व्हाट अ प्लेस नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें और क्या चाहिए व्हाट एल्स डू यू वांट व्हाट एल्स डू यू वांट नेक्स्ट सेंटेंस है क्या चल रहा है वाट्स अप या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन और फिर इसका जवाब में अगर कहना हो कुछ खास नहीं तो हम कह सकते हैं नथिंग मच या नथिंग स्पेशल नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बात कर रहे हो वाट आर यू टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बकवास कर रहे हो वाट नॉन सेंस आर यू टॉकिंग नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बात है वाट इज द मैटर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उल्टा सीधा या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो वाट रबिस नेक्स्ट फ्रेज है वाट द हेल इसका यूज हम तब करते हैं जब हम गुस्सा होते हैं जैसे क्या बकवास है वाट द हेल सेकेंड एग्जाम्पल है चल क्या रहा है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है व्हाट इज योर फेवरेट गेम नेक्स्ट सेंटेंस है जो हो गया सो हो गया इज डन इज डन नेक्स्ट वर्ड है तो क्या या तो क्या हुआ सो व्हाट नेक्स्ट सेंटेंस है आप किस साइज का जूता पहनते हैं वाट साइज शूज डू यू वियर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है वाट मेक्स यू हैप्पी और आज के लिए लास्ट सेंटेंस है आपको किस बात का दुख होता है वाट मेक्स यू सैड